ठीक है, देखो फाइंड द एरिया ऑफ आइसोसेलस ट्राइंगल हुज इक्वल साइड्स आर 90 सेंटीमीटर एच। अभी नहीं समझ आया लेकिन इसकी फिगर बनाओ तो सारा समझ में आ जाएगा। ये ए बी सी आपका आइसोसेलस ट्राइंगल है, ये 90 होता है। अब इक्वल साइड्स, हाइपोटेन्यूज तो बड़ी साइड होती है, वो तो इक्वल हो नहीं सकती, यही दोनों साइड्स इक्वल होंगी ना, तो वो जो इक्वल साइड है वो 15 और 15 है। तो एरिया क्या आ गया, हाफ बेस इंटू हाइट, यानी हाफ 15 इंटू 15, सिंपल फिगर। ये देखो आपको ये फिगर दी हुई है, लार्जर एरिया, ये पी क्यू आर का एरिया दिया हुआ है 50, आपको निकालना है शेडेड रीजन का एरिया। तो हमें फिगर में दिख रहा है शेडेड रीजन का एरिया इज एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल एस क्यू आर। ये मैं हटा दूं तो यही बचेगा ना, अब पी क्यू आर का तो दिया हुआ है 50, अब 50 में से मुझे क्या माइनस करना है, इस ट्राइंगल का एरिया, और इस ट्राइंगल का मेरे पास हाइट भी है और बेस भी है, तो हाफ 5 × 9 इस ट्राइंगल का एरिया आ गया, उसको आप 50 में से माइनस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। 12th क्वेश्चन देखो, क्वाड्रिलेटरल ये दिया हुआ है आपको, ठीक है, इसमें जो इसमें लिखा है सेम फिगर में भी सब कुछ दिया है। इस पूरे क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी का आपको एरिया निकालना है, तो अगर हम ध्यान से देखें, एक डायगोनल की लेंथ दी है और डायगोनल पे अपोजिट वर्टेक्स से दो परपेंडिकुलर दिए हैं। अब मैं इसको छुपा दूं तो ये क्या बना, ये ट्राइंगल बन गया। मैं इस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकती हूँ, हाइट ये है बेस ये है, इसको छुपा दूं, ये ट्राइंगल है, मैं इस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकती हूँ ऊपर वाले का, हाफ 8 × 40। अब दोनों एरियाज को प्लस करूंगी तो वो किसका एरिया आ जाएगा, क्वाड्रिलेटरल का आ जाएगा। सिर्फ इसमें आप पहले लिखेंगे कैसे, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ट्राइंगल ए डी सी ऊपर वाला प्लस एरिया ट्राइंगल ए बी सी, हो गया। अब एडीसी का एरिया निकाल लेना, एबीसी का एरिया निकाल लेना और दोनों को फिर से ये फिर ये लिखना, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, आपका हो गया।